नमस्कार मित्रों, मैं जिग्नेश युवाणी आपके लिए एक नया रैंक है जिसका नाम है 3 और चैप्टर नंबर रियल नंबर बहुत इजी है, बहुत इजी। हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मुझे पता है आप सब बहुत क्लेवर हो, बट सम पर्सन काम नहीं करते। कोई बात नहीं, मुझे आता है, करवाऊंगा मैं। सो दैट यानी सो करना है, मुझे प्रूव करना है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5, q is a प्रूव करना है। प्रूव आंसर फिर स्टेप वन करें। आपको पता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या है? 0 <r> b। हियर हमको 6q+1, 6q+3, 6q+5 Q, वो क्वेश्चन है, ये 1, 3, 5 रिमाइंडर है, बट ये 6 है ना, वो B है। देखो है कि नहीं है, नो प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 2 देखेंगे, इसे B इज इक्वल टू 6 देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। सो B इज इक्वल टू 6। स्टेप 2 क्या कह रहा है? तो कंडीशन 0 नो तो लेस देन इक्वल टू R लेस देन तो b की जगह 6 डालेंगे। तो यहाँ देखो कंडीशन r इज इक्वल 0 होगा, बीच में 1, 2, 3, 4, 5 होगा। तो इन सब वैल्यू डाल दिए मैं, b की जगह 6, r की जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5। रेडी, वो ब्रैकेट में मैंने लिखा है। स्टेप 3 क्या कह रहा है कि मेकिंग सो 6 क्यूब यानी 6q+0 और 6 क्यूब होगा 6q+2, 6q+4 आर इवन वैल्यू। सो 6q+1, 6q+3, 6q+5 आर ऑड इंटीजर। एकदम इजी है। आगे की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत लंबा है। एन आर एम ई एक कंटेनमेंट है ऑफ 616 मेंबर इज मार्च बिहाइंड। एक आर्मी का बंदा है, पीछे जवान काम कर रहे हैं, बैंड हमारे यहां बैंड है ना, और 32 मेंबर्स इन परेड। ग्रुप ऑफ टू आर मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम जो कॉलम और रो, कॉलम यानी खड़ा, रो मीन्स आड़ा, समझ में आया? व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ कॉलम इन विच कैन दे मार्च, यानी मैंने बोला था मैक्सिमम मतलब एस सी एफ सबसे बड़ा है 616, सबसे छोटा है 32, 6, 1, 6, 32 डिवीजन करो। अभी देखो ये 32 2 64 होता है क्या? 1 ओके, अभी इसमें से सब्ट्रैक्शन करो तो पता चलेगा 28 29 32 9 18 17 27 28 यानी के कितना बचा? 8 बचा। तो यहाँ Q है 19 है, रिमाइंडर है वो 8 है, वो तो आपको बताइए। फिर से 32 8
यहाँ 32 यहाँ 8 4 32 यानी कि यहाँ क्वेश्चन में 4 रिमाइंडर 0 तो हमारा एचसीएल 8 आया तो आंसर क्या आया हमारा मैक्सिमम कोलम 8 इन मार्च ये हमारा आंसर है यानी मैक्सिमम मतलब एचसीएल अभी तो आ गया होगा कोई डाउट होगा नहीं मेरे को पता है 100% क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल नंबर 4 होमवर्क में दे रहा हूं मुझे पता है आप कर सकोगे डाउट नहीं होगा सेम टू सेम इसे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मजा आने वाला है क्या समझ में नहीं आया मेरे को बोलना यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सॉरी लेमा a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r जो मैंने बात की थी सो दैट स्क्वायर ऑफ any positive integer either of form 3m or 3m plus 1 for some integer n यानी कि हमको 100 क्या कराना है 100 कराना है यानी प्रूव करना है हिंट में ऐसा दिया है कि x be any positive integer then it is a form of 3q, 3q plus 1, 3q plus 2 यहाँ तो हमको hint दिया है suppose नहीं दिया हो तो आपको कुछ भी याद रखना है q की जगह कुछ भी हो सकता है यहाँ q माने तो question q माने तो question last question देखा था sys q ऐसा कुछ देखा था आपने सबने तो यहाँ q माने तो question है तो आप 3 की जगह कुछ भी हो सकता है ओके एनीथिंग क्योंकि इधर कुछ भी हो सकता है लेना है कूपन क्योंकि इधर आपको ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम ओ पी क्यू एस टी यू एल एस वाई जेड कुछ भी हो सकता है यहां दिया है नंबर ने नहीं दिया तो आपको कुछ लेना है ऐसा याद रखना है क्योंकि इधर कुछ भी हो सकता है पर बिट मोस्ट इंपोर्टेंट क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन लगभग तो दिया ही होगा टेंशन मत लो यार आंसर की बात है तो क्वेश्चन की बात हुई जहां समझ में धीरे से समझा दो एकदम धीरे से उसने बोला सपोज सपोजिंग दैट मींस सपोज x = 3q लिया क्या लिया 3q लिया हमने क्या लिया 3q फिर क्या किया उसने देखो 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 स्क्वायर स्क्वायर किया बुलाया स्क्वायर बुलाया ना किया नो प्रॉब्लम पहले x = 3q लिया स्क्वायर लिया यानी x स्क्वायर इसका 9 q का q स्क्वायर फिर हमको 3m बनाना है क्या बनाना है 3m बनाना है इसमें वो लिखा है मैंने लिखा नहीं है आई एम सॉरी 3m बनाना है क्या बनाना है तो मैं क्या करूंगा 3 के 9 के दो बार 3 * 3 यहां q स्क्वायर फिर डिवीजन आई होता है ना तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m सपोज किया तो आ गया कि नहीं आ गया 3q इज इक्वल टू अब देख सकते हो इसकी जगह m suppose किया again एकदम easy है suppose of step number 2 suppose 3q plus 1 किया इसकी तरफ फिर से square किया इसमें तो formula है n plus b का square s square plus 2ab plus b square यानी कि a square 2 a b b का स्क्वायर x स्क्वायर तो ऐसे ही
3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 3 2 4 6 क्यू प्लस 1। इसमें भी सेटिंग करना है अपने को, तो यहां 3m प्लस 1 है कि नहीं, है कि नहीं। 1 तो हमको मुफ्त में मिल गया, ये 1 तो हमको मुफ्त में मिल गया, मुफ्त में मिल गया। तो अब हमको क्या करना है, देखो इसका पार्ट नहीं, 3 3 का 9 3 2 का 6 डाउट। अब इसको करना क्या है, इसमें से कॉमन निकालना है, निकाल दिया ब्रैकेट में 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 तो मुफ्त में है, प्लस 1 तो मुफ्त में है, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू क्या करना है, m सपोज करना है, करो m सपोज की जगह m डाल दीजिए, 3m प्लस 1 हो गया। इसी तरह हमको तीसरा भी किया है, 3 क्यू प्लस 2 सपोज 3 क्यू प्लस 2 स्क्वायर भी बोला गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर a स्क्वायर 2 a यानी 3 क्यू b यानी 2 b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर तो 3 का 3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 3 6 12 क्यू प्लस 4। अब इसमें से कुछ कॉमन निकला, यहां मुफ्त में नहीं तो इसके दो पार्ट कीजिए, देखो a अर्थ 9 3 2 जा 9 12 3 4 जा 12 4 3 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 4 होता है क्या, होता है कि नहीं, होता है, यानी प्लस 1 हमको फिर से मिल गया, मिल गया। अभी जो देखो 3 कॉमन निकला, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 वहां एम सपोज कियो, एम सपोज करो 3 एम प्लस 1 आ गया, यानी कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर अ फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 4 सेम इंटीजर m। यही मैंने फिर से लिखा है स्टेप 4। आपको डाउट हो समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे बताइए, मैसेज कीजिए। यस।